जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात शुक्रदेव की करेंगे। जन्म कुंडली में अगर शुक्रदेव अच्छे हो, शुभ हो, तो जीवन में क्या क्या सुख मिलते हैं, खराब हो तो क्या परेशानी आती है, और शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बचपन से लेकर के जवानी तक और आगे जाके बुढ़ापे तक शुक्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, सबसे पहले तो जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा होता है, बचपन की बात करूं तो बच्चों के अंदर जोश बहुत होता है। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, हर चीज़ को करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करते, अपने कल के कामों को भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। और जिन बच्चों का शुक्र अच्छा होता है, ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई के अंदर भी अच्छे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी मेहनत के साथ करते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, चाहे घर परिवार का ही कोई काम हो, उसके अंदर भी करने में बिल्कुल भी आलस नहीं रखते। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, ऐसे लोगों के शरीर में जोश पूरा होता है, ऐसे बच्चों के अंदर जोश ही इतना होता है कि उन्होंने जो भी टारगेट चूज किया होता है, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो एम उसका डॉक्टर बनना है, तो उसके अंदर जोश इतना होगा कि वो अपने पूरे जोश के साथ मेहनत इतनी करेगा कि वो अपने एम को पाने में पूरी तरह से सफल होगा। लेकिन जिनका शुक्र खराब है, ऐसे बच्चे बहुत आलसी होते हैं, हर काम को करने के लिए कोई ना कोई बहाना लगा देना, ना करने के लिए कोई ना कोई बहाना लगाना, और आज के कामों को कल पे डिले करते चले जाना, ये सारे शुक्र के ही खराब गुण हैं। जिन बच्चों का शुक्र खराब है, ऐसे बच्चे अपनी लाइफ में उन्होंने क्या करना है उस चीज़ को लेके ना तो पूरी तरह से एम बना पाते हैं, पढ़ाई लिखाई के अंदर भी पूरी तरह से अच्छे नहीं रह पाते, और एम एक टारगेट नहीं चूज़ कर पाते कि उन्होंने जीवन में क्या करना है, किस लाइन के अंदर उनको सफलता पानी चाहिए। ये सारे खराब ला शुक्र खराबी के कारण ही बनते हैं। और साथ ही आगे जा कर के जब इंसान की शादी होती है, जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, ऐसे लोगों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहता है, पति पत्नी के आपसी तालमेल बहुत अच्छे होते हैं, पति पत्नी नई नई जगह पर घूमने जाने के शौकीन होते हैं, अच्छा पहनना, सुंदर दिखना, एक साथ घूमने जाना, नए नए शौक होना, ये सारे सुख शुक्र शुभ के ही होते हैं। और साथ ही ऐसे लोगों का बेडरूम का रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों का शुक्र खराब हो गया, सबसे पहले तो शादी के बाद शादीशुदा जीवन के अंदर ऐसी ऐसी तकलीफें आना कि कई बार तो अगर शुक्र बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में, खराब ग्रहों के साथ संबंध कर ले, जैसे राहु या शुक्र के साथ बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में आ जाए, तो कई बार ये तलाक जैसे हालात भी बनाता है, या लाइफ में शादीशुदा जीवन ऐसा हो जाता है कि लोगों को दिखने के लिए तो एक बहुत अच्छे कपल होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज समझ करके ही स्पेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी तालमेल अच्छे ना होना, आए दिन लड़ाई झगड़े होना, और साथ ही बेडरूम के सुखों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमियों जैसे हालात बनना, या फिर किसी भी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अपने जीवन साथी को छोड़ करके बाहर किसी के साथ रिलेशन बन जाना, ये सारे खराब वाला शुक्र खराबी के कारण ही होते हैं। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, ऐसे लोगों को अपने घरों को नई नई चीज़ों के साथ डेकोरेट करने का, सजाने के ऐसे लोग शौकीन होते हैं, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को खरीदने के शौकीन होते हैं। लेकिन जिनका शुक्र खराब होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफाई करने में बिलीव नहीं करते, या कह लो कि बहुत ज़्यादा आलस होने के कारण हमेशा अपने आसपास के माहौल को गंदा रखते हैं, अपने घर को भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं रख पाते। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, शुक्र जिसका अच्छा होता है, दीपावली वाले दिन हम अपने घरों के अंदर सफाई करते हैं और वाइट वॉश करवाते हैं, पूरी तरह से सफाई साफ सुथरा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात के समय में हमारे घर में आकर के सुख समृद्धि और लक्ष्मी दे करके जाती है। ठीक उसी तरह शुक्र के जो स्वामी हैं वो खुद माँ लक्ष्मी हैं। जहाँ पर साफ सफाई है, जो लोग हमेशा खुद को भी साफ सुथरा रखते हैं, घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास के माहौल को, ऑफिस को, हर चीज़ को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, यानी कि रुपया पैसा अच्छा होता है। इसलिए जिनका शुक्र अच्छा है,
वो लोग साफ सफाई में ज़्यादा बिलीव करते हैं और ऐसे लोगों को डेली सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होता है, रुपये पैसे के सुख भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन जिनका शुक्र खराब है, डेली सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के भी हमेशा तंगी, पैसे को लेकर के भी हमेशा खराबी, मैरिड लाइफ को लेकर के भी हमेशा दिक्कतों जैसे हालात, और अपने कामों को डिले करते चले जाना जिसके कारण काम के अंदर बहुत अच्छे सफल हो ना पाना, ये सारी खराबियाँ शुक्र की है। अब ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो जिनका शुक्र अच्छा है, ऐसे लोग जितना ज़्यादा माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना उनका शुक्र और ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन जिनका शुक्र ख़राब है, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के साथ हो सके तो संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए। अगर संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कोशिश कीजिए संबंध को ठीक रखना शुरू कीजिए, और साथ ही हर शुक्रवार ऐसे लोगों को लाल बूरी या काली गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जितने ज़्यादा ऐसे लोग गाय की सेवा करेंगे उतना उनका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है, ऐसे लोग बहुत लेट उठना, लेट नहाना, जिसके कारण कामों को डिले करते चले जाना। अगर ऐसे लोग सुबह 10 या 11 बजे ही उठेंगे तो अपने काम कहां से करेंगे? तो इसलिए समय पर उठना, समय पर नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये भी आपके शुक्र को दिन प्रतिदिन अच्छा करता चले जाएगा। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाइए तो शुक्र को अच्छा करने के ये बेहद आसान उपाय है। इन चीज़ों को फॉलो करके चलोगे तो लाभ ज़रूर होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।